Hey guys, what's up? Rajat here from VFX World. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, in this lockdown situation, I decided that let's create something really interesting and new content for my channel. And this content is all about stay at home and learn VFX with me. So in this video, I'm gonna show you, in fact, I'm gonna explain you about everything for most of the favorite VFX shot of mine. So without wasting any time, let's get started. Okay, so the first movie is The Avengers Endgame. अभी मैं क्या करूंगा इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है तो चले पहले वीडियो देखते हैं. So let's see the video first. Okay, I think you already saw that and it's really amazing, right? So now go to the first part. Now if you notice, this is completely a city where this kind of things happened. तो क्या हुआ क्या था? ये complete city जो है, ये CGI है. अब जिन-जिन लोगों को पता नहीं है कि CGI क्या होता है, उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ. CGI मतलब computer generated imagery. जो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं उसको रियलिस्टिक टेक्सचर लाइटिंग देते हैं ताकि वो देख के लगे कि येट्स इट्स इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और इट्स लाइक फोटो रियलिस्टिक CGI ऑब्जेक्ट. तो ये वही एक सीन है और द थिंग इज दैट दिस कंप्लीट सीक्वेंस इट्स काइंड ऑफ ए स्टोरी काइंड ऑफ सीक्वेंस. सो ये कभी पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में बनाना. सो दैट्स वाई वी क्रिएटेड बाई यूजिंग सम 3D सॉफ्टवेयर्स एंड हम लोग उससे जरिए इसको बना के आप लोगों के सब जगह से पेश करते हैं, उसको हम लोग VFX कहते हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं इस शॉट का. तो देखिए ये जो है, इसको आप अभी जो स्क्रीन में देख रहे हैं इसे हम लोग CGI कहते हैं. जो ये अभी बन रहा है ये 3D मॉडल है और ये जो डस्ट है ये पार्टिकल सिस्टम से जिसको हम लोग इफेक्ट्स कहते हैं. जो हुडिनी नाम का सॉफ्टवेयर जो है उस पर बनता है. दोस गाइस नो अबाउट हुडिनी. हुडिनी इज़ आवर फ्यूचर. सो जिन जिन लोगों को हुडिनी सीखना है, आई सजेस्ट प्लीज़ गो एंड लर्न हुडिनी बिकॉज हुडिनी इज़ आवर फ्यूचर. Okay, so now if you go forward, see these lightnings and all, those are all from FX department. So ये FX के ज़रिए से होता है. बाकी animation department करते हैं, but ये सब जो है वो FX department करते हैं. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हो जो सिटी में ये टोनी स्टार कैरेक्टर चल रहा है ये पूरा completely blue screen में है. So अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ. द ब्लू स्क्रीन इज एग्जैक्टली कॉल्ड क्रोमा स्क्रीन और क्रोमा बैकग्राउंड. एंड वाई वी यूज दिस ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन. ओके सॉरी, मैं ग्रीन स्क्रीन कहा था, इट्स ब्लू स्क्रीन. क्यों हम लोग यूज़ करते हैं ये क्रोमा बैकग्राउंड? बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंड, वी कांट क्रिएट द एंटायर पोजीशन, द एंटायर सीक्वेंस, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली ड्रीमी सीक्वेंस होता है या फिर वो फैंटेसी काइंड ऑफ सीक्वेंस. जैसे इस मूवी में जो हम लोग सिटी दिखाना चाहते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सेम CGI के जरिए उसको बनाते हैं. जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये कैमरा मूवमेंट है टॉप शॉट में. ये चार बक्से जैसा कुछ तो बना हुआ है जो एक्चुअली सिटी का अलग अलग पोजिशन है और इसको दिखाया गया. इट्स अ काइंड ऑफ सेंटर ऑफ द सिटी और सेंटर ऑफ अ रोड विच वी हैव फोर रोड्स हियर. सी जहाँ पे चारों रोड का क्या कहते हैं उसको एकत्रित हो रहा है एक जगह पे. एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डिड बाय यूजिंग द सेम कैमरा मोशन दे मेड सम 3D ऑब्जेक्ट्स और 3D बिल्डिंग्स विद द सेम लाइटनिंग टेक्सचरिंग एंड ऑल. एंड दे यूज दिस कंप्लीट सीन फॉर दैट कंप्लीट सीक्वेंस जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, ये कैरेक्टर जहाँ पे भाग रहे हैं एंड ऑल, ये कंप्लीट सीक्वेंस के लिए वो लोगों ने एक शहर जो है उधर का पूरा सीक्वेंस उन लोगों ने CGI के जरिए बनाया. ओके, सो अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं ये डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ में जो लाइटनिंग्स वगैरह है वो सब भी VFX के थ्रू बनाते हैं. ऑब्वियसली ये बन नहीं सकता तो हम लोग उसको कॉम्पिंग के जरिए से उसको बनाते हैं. काइंड ऑफ यू कैन कॉल्ड इट एज ए मोशन ग्राफिक्स. जो काइंड ऑफ HUD एलिमेंट्स होते हैं ये उससे हो सकता है, बट कभी कभी क्या कहते हैं 3D भी उन लोग यूज़ करते हैं. ओके, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये वॉल जो है
ये वॉल, ये पीछे का जो है, ये सब कुछ यहाँ पे VFX के जरिए बनाया गया है. इनफैक्ट वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वहाँ पे. दीज आर ऑल कम्प्लीटली मेड बाई VFX. एंड इफ़ यू नोटिस यहाँ पे हम लोग पूरा जो ये वॉल है, इनफैक्ट ये जो रेलिंग्स वगैरह है, ये सब जो है वो भी यहाँ पे नहीं है. सो अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगे. एंड आई सजेस्ट एवरी आर्टिस्ट शुड वॉच दिस VFX ब्रेकडाउंस, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाए जाते हैं जो हम लोग शायद ही कहीं पे सीखे या फिर सीख पाते हैं. सो दैट आई बिलीव कि हम लोगों को हमेशा VFX ब्रेकडाउन देखना चाहिए. जैसे कि ये जो सीक्वेंस है, एज यू ऑल नो दिस टू कैरेक्टर्स आर कम्प्लीटली CGI कैरेक्टर्स. बट कभी कभी क्या होता है, CGI के पहले हम लोग एक कैरेक्टर को यूज़ करते हैं जिसके एक्टिंग स्किल्स हम लोग यूज़ करते हैं, और उसी एक्टिंग स्किल्स को यूज़ करके उसके ऊपर हम लोग ये CGI वाला कैरेक्टर को डालते हैं. तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर ये पूरा CG है. इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये गाड़ी वगैरह सब रियल है. यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स को यहाँ पे बैठाया गया है. और आगे बढ़ने से पहले हम दिखाएंगे इसको. सी, दिस इज़ कम्प्लीटली 3D मॉडल. ठीक है, अभी ये जो मॉडल्स है ना, इसके अंदर कम्प्लीट बोन सेटअप्स वगैरह रहते हैं. जैसे कि एक अगर हम कुछ मुक्का मारते हैं तो जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो मसल में वाइब्रेशंस होते हैं, वो सभी इसमें अंदर बनाया गया है, ताकि जो मसल का एक एक मूवमेंट हो. जैसे वो बात कर रहा है, ये बात करने पे क्या होता है, ये जो जबड़ा है, ये जो ऐसे चलता है ना, तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे ये मूवमेंट हो रहा है. तो इसकी वजह किस लिए हो रहा है, अंदर हम लोग का मसल्स है, जो मसल दिस मूवमेंट क्रिएट करते हैं. तो वो सब मूवमेंट्स के लिए मसल अंदर सब कुछ अलग अलग रिगिंग होता है. तो जब ये लोग एक एक चीज़ बारीकी से करते हैं ना, तो वो फील आता है कि इट्स रियल. तो सोच सकते हैं VFX कितना रियलिस्टिक करने के लिए कितना आगे बढ़ चुका है. ओके, अगर आप आगे बढ़ते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये जो कार का कुछ तो है, इसके ऊपर पहले इसको बैठाया है. देन द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जिसके बगैर VFX कुछ नहीं है, वो है रोटोस्कोपिंग. इसके बाद ये कार का इस हिस्से को ये लोग रोटो करते हैं. सी, ये हिस्से को इन लोगों ने रोटो करके इसके ऊपर रिवील किया. तो गाइस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड रोटो कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक ये सीन ही कंप्लीट नहीं होगा. सो गाइज, दोज हू गाइज आर ट्राइंग फॉर रोटो पेंट कॉम्प, फर्स्ट ट्राई रोटो, वर्क हार्ड, देन ऑब्वियसली आप कॉम्प पर बन जाओगे. सो प्लीज़ रोटो करो, अच्छे से करो. इनफैक्ट जो भी करो अच्छे से करो. ओके, सो आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर 360 घूम रहे, क्योंकि हम लोग जब कैरेक्टर्स 3D में बनाते हैं उसका एक एक डिटेल 360 में देखना पड़ते हैं. इनफैक्ट अब ये जो मैं बात कर रहा था, ये आँख का जो मसल का बात कर रहा था, सी दिस इज़ दैट थिंग, ये आँख का जो मूवमेंट हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, उसके वजह से जो नीचे का मसल ऊपर का मसल में जो चेंजेस हो रहा है, यही वहाँ पर दिखाया गया है. सी दिस इज़ द चेंजेस. ओके, एंड सी द आईज आर एग्जैक्टली फोटो रियलिस्टिक, और जो आईब्रोज वगैरह है ये सब. सो जो दूसरा मूवी है, वहाँ से मैंने दो शॉर्ट्स लिया है, जिसका नाम है द मूवी 24. ये साउथ इंडियन मूवी है. दिस मूवी इज़ मेड इन साउथ इंडिया एंड इट्स अ कम्प्लीटली ऑसम मूवी. यहाँ पे टाइम ट्रेवल वगैरह दिखाया गया है, बट जो VFX यूज़ हुआ है, स्टनिंग VFX कंपनी हु डिड दिस नेम आफ्टर VFX कंपनी. एंड लेट्स सी द फुटेज फर्स्ट. वाओ, वेरी नाइस. सो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फेस रिप्लेसमेंट देखते हैं. इफ़ यू नो दैट हम लोगों का VFX इंडस्ट्री में जब हम लोग डुअल रोल या डबल रोल करते हैं, वहाँ पे फेस रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग बॉडी डबल यूज़ करते हैं. बॉडी डबल मीन्स लाइक सेम देखने वाला, सेम बॉडी स्ट्रक्चर वाला एक इंसान को वहाँ पे खड़ा रखता है, वो एक्टिंग करते हैं. कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग उसी के फेस में जो हीरो है, हीरो का फेस को हम लोग रिप्लेस करते हैं. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका फेस में ऐसे मार्कर्स बने हुए हैं. इस मार्कर्स का मतलब ये ट्रैकिंग मार्कर्स है. इस मार्कर के वजह से ये फेस को ट्रैक करते हैं, और कॉम्प के बाद, ये कॉम्प मतलब कॉम्पोजिटिंग के बाद, ये लोग फेस को यहाँ पे हटाते हैं. और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैरेक्टर को यहाँ पे पेंट किया हुआ है, ताकि ये पीछे कुछ बैठा सके. आई थिंक यहाँ से रेफरेंस लेके यहाँ पे डाला गया होगा, आई थिंक, बट आई एम नॉट कर मैं श्योर नहीं हूँ मैं. सो ये पेंट किया हुआ है इधर का हिस्सा, और फिर आगे ये कैरेक्टर का इतना रखा गया है. फिर अगर आप देखते हो कि यहाँ पे फेस को ऐसे इन लोगों ने चेंज किया है, राइट, जो एक्चुअल कैरेक्टर हीरो का फेस है, इसको बाद में शायद इसी डायरेक्शन में शूट किया है, देन फेस को रिप्लेस किया है. इट्स वेरी वेरी गुड जॉब. ओके, सो इसके बाद जाते हैं इसी मूवी का एक दूसरे शॉट में, तो देखते हैं उसको पहले. ओके, ये जो शॉट आप लोग देख रहे हैं इस, इनफैक्ट आपके स्क्रीन के सामने, ये शॉट कम्प्लीटली बना हुआ है नॉर्मल शूटिंग में, और उसके बाद इसमें VFX डाला हुआ है, क्योंकि ये हॉलीवुड मूवीज़ जैसे है ना, कि सारे के सारे VFX है. जैसे कि आप देख सकते हैं, फिलहाल ये अभी कैमरा बाहर जा रहा है. सी द कैमरा इज़ गोइंग मूविंग बैक. और ये जो पूरा सिटी है यहाँ पे दिखाया नहीं गया, ये जो कंप्लीट सिटी कैमरा से पैन होकर बाहर जा रहा है,
ये कंप्लीट VFX है. यस ये कम्प्लीटली VFX है. और ये जो एक एक पानी का बूंदे है इसको हम 3D में जैसे देख सकते हैं आप इसको, ये पार्टिकल सिस्टम है. यस दिस इज कॉल्ड पार्टिकल सिस्टम. और ये भी इफेक्ट्स में बना जाते हैं. और अगर आप देखते हो कि ये जो रियल फुटेज है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इसके बाद आते ये पानी और इसमें हम लोग क्या क्या ऐड किया है, डेप्थ ऑफ फील्ड है इसमें, मोशन ब्लर है, इसमें रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन है, इनफैक्ट रिफ्रेक्शंस भी हैं. और जैसे पानी बनते हैं ना उसका एक वैल्यू होता है, IOR वैल्यू, जो हर एक चीज़ का अलग अलग होता है. जैसे मिरर का अलग होता है, इनफैक्ट ग्लास का अलग होता है, पानी का अलग होता है. पानी का होता है 1.33, और ऐसे ही कुछ ट्रांसपेरेंट चीज़ें का अलग होता है, ग्लासेस हार्ड ग्लास का अलग होता है. तो यहाँ पे वो IOR वैल्यू यूज़ किया है, लाइटिंग यूज़ किया है, और एक एक जो पानी का बूंद का पार्टिकल्स है उसमें जो एनवायरनमेंट यूज़ किया है वो यही का बना हुआ एनवायरनमेंट इन लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है. ओके और इसके बाद ये कंप्लीट वहाँ पे 3D ट्रैक करके मैच मूव करके यहाँ पे बैठाया गया है ताकि वो देख के लगे कि हाँ ये फ्रीज हुआ है. इनफैक्ट इस प्रोसेस का कहते हैं नेम, इसको कहते हैं फ्रीज फ्रेम. ओके सो अभी हम लोग जाते हैं एक तीसरा मूवी जो रेड चिलीज का है, और मूवी का नेम है जीरो, जहाँ से मैंने दो शॉट्स लिया है, और वो दोनों शॉट्स बहुत ही अमेजिंग हैं, उसके बारे में बात करना तो बनता है. तो चलिए पहले उस वीडियो को पहले देखते हैं. वाओ सो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं इस वीडियो में इन लोगों ने क्या किया है कि ये जो कंप्लीट कैरेक्टर्स है, मैं आपको आता हूँ धीरे धीरे, पहले आप तो देख लीजिए इस डिटेल में कि यहाँ पे क्या क्या दिखा है. शाहरुख खान का जो कैरेक्टर्स है इसको देखिए आप, श्रिंक किया. इनफैक्ट यहाँ पे जो लेग है, ये लेग को इन लोगों ने VFX में 3D में बनाया है, मैच मूव किया है, क्योंकि कैरेक्टर को श्रिंक किया हुआ है. और जो लेग्स है वो एक्चुअल में क्यों रिप्लेस किया, आई विल टेल यू. क्योंकि जो सलमान खान हैं वो एक चीज़ के ऊपर खड़े हैं और शाहरुख खान सेट के नीचे खड़े हैं, तो अगर हम लोग श्रिंक करते भी है तो वो सेट का जो एक सेम पोजीशन है, लाइक फ्लोर का जो सेम चीज़ है उसको मेंटेन करना इजी नहीं होगा. तो ऊपरी हिस्सा जो सेट के ऊपर है उसको उन लोगों ने रोटो करके कट करके निकाल लिए, और उसके बाद क्या किए, नीचे का जो हिस्सा जो लेग है सेम मोशन के साथ मैच मूव किया लेग्स को, सेम मूवमेंट जैसे वो डांस कर रहे हैं, और सिंपली कैरेक्टर को ऊपर उठा के नीचे लेग्स को बैठा के रियलिस्टिक रेंडर कर दे. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और गाइज अगर आप लोग मैच मूव वाले हो और अगर आप लोगों को VFX भी आते हैं तो यू कैन मेड योर सेल्फ लाइक दिस स्मॉल बोना टाइप्स ऑफ कैरेक्टर. ओके आगे बढ़ते हैं. सी दिस लेग्स आर कम्प्लीटली CGI, मैच मूव हुआ है, टेक्सचर लाइटिंग बम्प एंड ऑल कम्प्लीटली. सी दिस इज व्हाट आई कॉल्ड श्रिंक किया. नीचे का जो हाथ वगैरह जो भी वो फ्लोर के नीचे जा रहा है, जो भी फ्लोर के नीचे जा रहा है वो सब CG है, और जो भी फ्लोर के ऊपर जा रहा है उन लोगों ने उसको काट के निकाल लिया अलग से. ये कम्प्लीटली थिंकिंग है. जब हम लोग काम करते हैं ना उसके पहले पोस्ट प्रोडक्शन होते हैं, सॉरी प्री प्रोडक्शन होते हैं, उस प्री प्रोडक्शन में ये सब बातें होता है कि कौन सा चीज़ पहले जाएगा, कौन सा चीज़ CG होगा, एंड एवरीथिंग ये पहले डिसाइडेड रहता है. ऐसे नहीं कि शूटिंग के बाद पता चला कि हाँ चलो इसको CG करते. ओके तो ये वो सीन था. अभी अगर लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने चीज़ देखा कि ये शेडोज़ है. अगर आप देखते हैं मल्टीपल लाइट्स हैं, तो मल्टीपल लाइट्स में अगर क्रिकेट ग्राउंड में देखते हो, एक क्रिकेट में जो कैरेक्टर खेलते हैं वहाँ पे, जो प्लेयर खेलते हैं वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग शेडोज गिरते हैं, राइट. तो यहीं पे भी वही कंसेप्ट, क्योंकि विदाउट शेडो आप कुछ भी कर लो वो फेक लगने वाला है, विदाउट शेडो आप कुछ भी कर लो वो फेक होने वाला है. तो दैट्स व्हाई इन लोगों ने शेडो कम्प्लीटली अलग से बनाया. अब शेडो कैसे बनाते हैं आप लोग को पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत ईजी है, यहाँ पे दिखाया नहीं है. यहाँ पे एक्चुअली दोनों का कैरेक्टर का मैच मूव हुआ है, जहाँ पे जो कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर 3D कैरेक्टर पर लाइटनिंग सेटअप गिरा हुआ है, और वो लाइटनिंग के बाद कैरेक्टर को हाइड किया हुआ है, और जो शेडो जनरेट हो रहा है वही शेडो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, क्योंकि ये शेडो भी यस CGI है. ओके तो दूसरा शॉट में जाते हैं, जिस शॉट सबसे फेवरेट है मेरा, और उस शॉट ही इस शॉट का, इस वीडियो का लास्ट शॉट है. चलिए देखते हैं पहले उसके. ओके सो ये शॉट भी बहुत ही अच्छा शॉट है. यहाँ पे बहुत सारा इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. सी अभी आप लोग देखेंगे ये मैच मूव वाला कैरेक्टर है और ये 3D कैरेक्टर है, जो दोनों मर्ज होके ये शाहरुख खान के साथ मैच मूव होगा. सी कैरेक्टर को श्रिंक कर रहा है, हाथ को श्रिंक कर रहा है. सी हाथ को ऐसे श्रिंक किया, इनफैक्ट इसको पूरा स्केल डाउन कर रहा है, और पीछे प्रिंट आउट हुआ है, और ऐसे अनुष्का शर्मा जो कैरेक्टर है वैसे नीचे झुक के खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वो फ्लोर के नीचे ही है और कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर फ्लोर के ऊपर ही खड़े हैं. और सी दिस कैरेक्टर इज कम्प्लीटली डन इन मैच मूव हो रहा है. यहाँ पे श्रिंक किया बॉडी को, फिर बॉडी को श्रिंक करने में जो कैरेक्टर टच हो रहा है वहाँ पे भी सी इसको पूरा हटा के ग्रीन स्क्रीन में शूट किया, श्रिंक किया, हाथ को अलग से श्रिंक किया. और अभी जैसे दोनों का जब इंट्रैक्शन आएगा, सी यहाँ पे जो टच हो रहा है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पूरा कैरेक्टर को श्रिंक किया, दोनों कैरेक्टर को साइड से हटाया और पोजिशन मैच किया, हाथ को छोटा किया और फिर शॉट को डन किया. नाइस गाइज, रियली अमेजिंग. अगर आप लोग एक एक सीन को बारीकी से देखते हो ना तो यू कैन सी VFX एग्जैक्टली
हाउ बिगर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, इफ़ यू रियली लाइक माई दिस काइंड ऑफ वीडियो जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, ये दिस काइंड ऑफ वीडियो आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम, एंड इफ़ यू रियली लव माई दिस काइंड ऑफ वीडियो देन डू कमेंट्स कि आगे भी आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो ज़रूर बताओ, अच्छा लगा तो भी बताओ, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड येस, बिफोर लिविंग वट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल दी VFX वर्ल्ड, और आगे भी मैं अलग अलग वीडियोज ट्यूटोरियल के साथ आता रहूँगा। बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स होने को है, तो जाओ जाके क्लिक करो सब्सक्राइब बटन को, और साइड में बजा हुआ बेल बटन को भी क्लिक कर दो, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड लर्न VFX विथ मी। बाय बाय।